दुनिया के सबसे महान फील्डर्स में से एक माने जाने वाले जोंटी रोड्स का आज जन्मदिन है। 48 साल के जोंटी को इंडिया से काफी लगाव है और इंडिया के लिए उनका ये प्यार अक्सर देखा जाता है। भारत के लिए उनके इस प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी इंडिया ही रखा है, जिसका जन्म भी भारत में ही हुआ है। दरअसल जोंटी इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन से काफी प्रभावित हैं और उन्हें इसी वजह से भारत आना पसंद है। उनके 48वें जन्मदिन पर हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो उनके बारे में आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। जोंटी रोड्स क्रिश्चियन हैं, पर वे हिंदू रीति रिवाजों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि उन्होंने पिछले साल अपनी बेटी इंडिया के लिए भारत में पूजा कराई थी। इतना ही नहीं, वे भारत के कई प्रमुख धार्मिक त्योहारों में शामिल होने साउथ अफ्रीका से यहाँ आते हैं। खासकर वे गणेश चतुर्थी जैसे पर्व को कभी मिस नहीं करते। अपनी बेटी का नाम इंडिया रखने के बारे में उन्होंने बताया कि वे इंडिया के रिच कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन और लोगों के रहन सहन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखने का फैसला किया। जोंटी साल का ज्यादातर वक्त भारत में ही गुजारते हैं। शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जोंटी क्रिकेट इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में ना होने के बावजूद मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। दरअसल ये वाकया 1993 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच हुए मैच का है। फील्डिंग के दौरान साउथ अफ्रीका के एक फील्डर डेरिल क्लेनिन को चोट लग गई, जिस कारण उनकी जगह जोंटी रोड को मैदान पर फील्डिंग पर आना पड़ा। फिर क्या था, जोंटी ने शानदार फील्डिंग करते हुए मैच में 5 कैच लपके, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच खिताब से नवाजा गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।